हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि सीएमओ का एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है, 5 मई को आपका सीएमओ का एग्जाम है। सीएमओ का एग्जाम डेट आने के बाद बहुत लोगों के कमेंट आए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों के कमेंट आया है, जिसमें से आप लोगों ने पूछा है कि क्या सीएमओ एग्जाम डेट से पहले सारे के सारे सिलेबस आपके कवर हो पाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रखना चाहता, आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बता देता हूं कि जिस तरीके से सीएमओ का सिलेबस आप लोगों के लिए नया है, वैसे मेरे लिए भी ये नया है। मैं आपको किसी प्रकार की ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। जैसे कि अभी संपत्ति अंतरण अधिनियम जो हमारा चल रहा है टॉपिक, ये जब मैंने शुरू किया तब मुझे ही नहीं मालूम था कि ये कब तक आपका ख़त्म होगा। अभी आज का वीडियो और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक पकड़ना है, वो टॉपिक कितने समय में ख़त्म होगा, इसका अंदाज़ा मैं अभी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो एक चीज़ थोड़ा समझिएगा कि मैं आपको किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं कितने टॉपिक कवर कराऊंगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ की श्योरिटी ज़रूर दूंगा कि जो टॉपिक हम चालू करेंगे उसे पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक, जैसे अभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बाद हो सकता है 2-4 छोटे छोटे टॉपिक हम कवर करेंगे, उसके बाद ही कोई बड़े टॉपिक को हम देखेंगे। यानी अब थोड़े क्वांटिटी वाइज ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने के लिए थोड़े छोटे छोटे टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोई एक बड़ा टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके चैप्टर 5 ट्रांसफर ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और चैप्टर 6 जो कि है आपके एक्सचेंज से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 5 जिसमें सेक्शन कवर होता है आपका सेक्शन 105 से 117, 105 से लेकर के 117 तक की धारा कवर होती है आपके अध्याय 5 में। ये जो आपका अध्याय 5 है, ये संबंधित है आपके लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी स्थायी संपत्ति का पट्टा, हिंदी में पट्टा बोलते हैं, या लीज, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि लीज होता क्या है, लीज एक प्रकार की किराएदारी होती है। लीज एक प्रकार की किराएदारी होती है जिसमें आप अपनी भूमि को किराए पर दे करके उसके एवज में पैसे लेते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा लीज एक प्रकार की किराएदारी है, ये तो साधारण बोलचाल की भाषा में है, लेकिन अब इसे समझिएगा। सेक्शन 105 यानी धारा 105 क्या बोलता है, पहली बात तो ये समझिए लागू किस पर है। यह केवल स्थावर संपत्ति का पट्टा दिया जाता है, इसमें केवल आपके स्थावर संपत्ति का ही पट्टा दिया जाता है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही आप लीज पर दे सकते हैं, पट्टे पर दे सकते हैं। ठीक, देखिए अलग से चैप्टर में लिखा गया है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अलग से मेंशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्तियों का पट्टा। ठीक, देखिए केवल स्थावर संपत्ति का ऐसे पट्टा दिया जाता है। अब देखिए इसमें अंतरण या ट्रांसफर क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत संपत्ति के उपभोग के अधिकार का ट्रांसफर किया जाता है। संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण या ट्रांसफर किया जाता है, यदि इंग्लिश में बोले तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एंजॉयमेंट, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एंजॉयमेंट, यानी अचल संपत्तियों के उपभोग के अधिकार का अंतरण किया जाता है। देखिए यहाँ जो उपभोग है, उपभोग के लिए जो वर्डिंग यूज किया गया है वो है आपका एंजॉयमेंट। ठीक, तो याद रखिएगा अचल संपत्ति के उपभोग के अधिकार, अचल संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण किया जाता है। ठीक, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एंजॉयमेंट। देखिए अब इसमें एसेंशियल क्या है, एक है आपका लेसर, दूसरा है आपका लेसी, और तीसरा है आपका प्रीमियम और रेंट। लेसर यानी जो अपनी भूमि किराए पर देता है, यानी पट्टा करता, ठीक, हिंदी में पट्टा करता। लेसर मतलब जो अपनी भूमि या अपनी अचल संपत्ति किराए पर देता है वो है आपका पट्टा करता या लेसर। लेसी जो उस अचल संपत्ति को किराए पर लेता है, ठीक, इसे बोलते हैं आपका पट्टेदार। उसके बाद है आपका प्रीमियम और रेंट। देखिए अब ये जो पट्टा करता है और पट्टेदार है, यानी लेसर और लेसी, इसके जो आपकी पात्रता है, यानी जो कौन आपका लेसर और लेसी के लिए एबल होंगे, तो याद रखिएगा पट्टा करता हो या पट्टेदार, ठीक, लेसर हो या आपका लेसी हो, वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी देखा है आपका सेल के कंडीशन में देखा था, जिसमें आपका सेलर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए था, बायर भले 18 वर्ष से कम हो सकता है, यानी माइनर हो सकता था, लेकिन ये
जो आपके लीज के केस में लेसर और लेसी दोनों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, यानी वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। क्यों? देखिए, एक तो जो लेसर है, जो पट्टा करता है, वो अगर मेजर है यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी को किराए पे दे सकता है। दूसरा, इसमें जो है आपका लेसी है यानी जो पट्टेदार है, पट्टेदार अगर कोई भूमि किराए पर ले रहा है और यदि उसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम आयु की, यानी कोई बच्चा है, तो यदि कोई बच्चा अगर किसी भूमि को किराए पर लेता है तो वो उसका रेंट कैसे चुकाएगा? रेंट चुकाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, कोई उसकी एक मंथली इनकम होनी चाहिए। लेकिन यदि वो 18 वर्ष से कम आयु का है तो वो रेंट कैसे चुकाएगा? ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, जो लेसर और लेसी है यानी पट्टा करता और पट्टेदार है, दोनों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, दोनों को एडल्ट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए प्रीमियम और रेंट, प्रीमियम और रेंट क्या है? देखिए, जो भूमि आपके पट्टे पे दी जा रही है उसके एवज में आपको रेंट चुकाना पड़ेगा या प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें तीन कंडीशन है, इसमें प्रीमियम हो या रेंट हो, रेंट के लिए भाटक वर्ड यूज किया गया है आपकी हिंदी में। तो देखिए, आप इसमें प्रीमियम के तौर पर या रेंट के तौर पर आप इसे तीन प्रकार से दे सकते हैं। देखिए, रेंट के डेफिनेशन में इसमें अलग से मेंशन किया गया है कि आप रेंट के तौर पर मनी दे सकते हैं यानी धन दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं यानी सेवाएं दे सकते हैं, और शेयर इन क्रॉप्स भी दे सकते हैं। ठीक, मनी, सर्विस और शेयर इन क्रॉप्स, ठीक, धन, सेवाएं और आपके जो उपज है, जो आपकी फसल है, फसल में आप अपना एक शेयर दे सकते हैं। देखिए, कोई जमीन आपने किराए पे लिया, उसके बदले में किराए के तौर पर आप दे सकते हैं पैसे। ठीक, सर्विसेज, इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़े बड़े भवन रहते हैं, शादी वाले जो भवन रहते हैं, उस शादी वाले भवन के देख रेख का जो जिम्मेदारी है एक चौकीदार को दिया जाता है, तो उस उतने बड़े भवन में एक छोटा सा कमरा उस चौकीदार को दे दिया जाता है जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रहता है। उसे उस कमरे में रहने के लिए किसी भी प्रकार का आपका किराया नहीं देना पड़ता, उसे उस कमरे में रहने के एवज में उसे कुछ पेमेंट भी मिलता है, और पेमेंट के साथ साथ उसे वो अपनी सेवा देता है कि उतने बड़े भवन का वह रखरखाव करेगा, देखभाल करेगा, उसकी चौकीदारी करेगा। तो यानी उस भवन के देखरेख के एवज में वो अपनी सेवा दे रहा है। ये एग्जांपल है आपके सर्विसेज का। शेयर इन क्रॉप्स, शेयर इन क्रॉप्स को समझिएगा, यानी देखिए, इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला जाता है अधिया। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अधिया भूमि दी जाती है कृषि के क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और आपके पास गांव में एक कृषि भूमि है, आपको खेती किसानी का कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जो अपने गांव में पड़ी हुई जो कृषि भूमि है उस पे आप कोई ना कोई फसल उगाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक भी आपका कृषि का नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कृषि भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति जिसे कृषि कार्य करना आता है वो उस भूमि पर आपका हल चलाएगा, उसमें फसल छिड़केगा, कीटनाशक छिड़केगा, एक फसल उगाएगा। फसल उगाने के बाद जितनी भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा वो स्वयं रखेगा और आधा हिस्सा आपको देगा। तो ये होता है शेयर इन क्रॉप्स। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे अधिया कहा जाता है, आप में से बहुत लोग परिचित होंगे। तो ऐसा होता है आपके शेयर इन क्रॉप्स, यानी आपने पट्टे पर अपनी भूमि उसको दे दी, वो उस पर फसल उगाया और उस फसल का आधा हिस्सा वो पट्टे के किराए के तौर पर, रेंट के तौर पर आपको देगा और आधा हिस्सा अपना रखेगा। तो ये होता है आपका शेयर इन क्रॉप्स। तो प्रीमियम और रेंट के डेफिनेशन में ये दोनों अलग से मेंशन किया गया है। देखिए, अब पट्टा का टाइम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? पट्टा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स भी हो सकता है और परपेचुअटी भी हो सकता है। फिक्स यानी एक निश्चित समय के लिए, और परपेचुअटी मतलब शाश्वत काल के लिए। शाश्वत काल मींस अनंत काल के लिए भी हो सकता है। देखिए, अनंत काल के लिए हो सकता है, इसको आगे आपको समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। कई लोग का डाउट होगा कि इसमें अनंत काल कैसे होता है, उसको आगे हम ये सेक्शन 111 में देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखिएगा, जो पट्टा है, पट्टे की अवधि एक निश्चित समय अवधि के लिए भी हो सकती है, या परपेचुअटी या शाश्वत काल या परमानेंट भी हो सकता है। ठीक, सेक्शन 106 यानी धारा 106, धारा 106 में सूचना के बारे में बताया गया है, यानी पट्टा समाप्त होने या जो पट्टे की जो अवधि समाप्त होने जो होने की दशा में कितने समय पहले, यानी पट्टे की जो अवधि समाप्त हो रही है तो पट्टे की अवधि समाप्त होने की तिथि से कितने समय पहले आपको पट्टेदार को सूचित करना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो कंडीशन है।
दो प्रायोजन है, देखिए एक है आपका कृषि और विनिर्माण, कृषि यानी एग्रीकल्चर, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। इस विनिर्माण में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है, बिजनेस आता है, बहुत सारे सेक्टर इसमें कवर होते हैं। तो जो आपका कृषि है और जो विनिर्माण है, इसमें जो आपका पट्टा है, याद रखिएगा कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में पट्टा आपका ईयरली बेसिस पे दिया जाएगा। देखिए पट्टा आप एक महीने के लिए भी दे सकते हैं, दो महीने के लिए दे सकते हैं, छह महीने के लिए दे सकते हैं, एक साल के लिए दे सकते हैं, दस साल के लिए दे सकते हैं, या परपेचुअटी या शाश्वत काल के लिए भी दे सकते हैं। ठीक, यानी मिनिमम से मिनिमम आप एक महीने के लिए पट्टा दे सकते हैं। लेकिन इसमें सेक्शन 106 में यह कहा गया है कि जो प्रायोजन है, प्रायोजन कौन सा, कृषि और विनिर्माण का जो प्रायोजन है, इन दोनों कंडीशन में पट्टे की अवधि एक साल से कम नहीं हो सकती। यानी पट्टा जो कृषि और विनिर्माण कार्य के लिए जो पट्टा दिया जाएगा उसे कम से कम एक साल के लिए होना चाहिए। देखिए कारण क्या है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यदि कोई कृषि कार्य में संलग्न है या कृषि के लिए आप पट्टे की भूमि देते हैं, तो आपको मालूम होगा एक फसल के बुआई से लेकर के उसके पूरे फसल के बड़े होने तक उसमें काफी लंबा समय लगता है। जैसे मौसमी आधार पर 6 महीने का तो समय ही लग जाता है एक फसल को पकने तक के लिए। तो इसलिए इसमें क्या है, ये मंथली बेसिस पे ये नहीं हो सकता। तो कृषि भूमि को आपको पट्टे पर एक साल के लिए कम से कम देना ही पड़ेगा। विनिर्माण यानी समझ लीजिए उद्योग क्षेत्र में यदि आप पट्टा दे रहे हैं 5 महीने 6 महीने के लिए, लेकिन एक इंडस्ट्री को खड़े करने के लिए ही आपके 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप क्या है, पट्टे को विनिर्माण क्षेत्र में भी महीने 2 महीने के लिए नहीं दे सकते, इसमें भी आपको ईयरली बेसिस पे देना पड़ेगा। तो सेक्शन 106 में स्पेसिफाई किया गया है कि कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में पट्टे की अवधि कम से कम एक साल की होगी, यानी ईयरली बेसिस पे होगी। ठीक, और अन्य प्रायोजन मतलब ये कृषि और विनिर्माण छोड़ के जो अन्य कार्य है उसके लिए आपका मंथली बेसिस पे होगी। अब देखिए कृषि और विनिर्माण के क्षेत्र में दी गई जो पट्टे की भूमि है, यदि उसकी अवधि समाप्त हो रही है, तो उस कंडीशन में जो तिथि है, निर्धारित तिथि है, पट्टे की अवधि जो समाप्त होने की जो निर्धारित तिथि डिसाइड की गई है, उस तिथि से कम से कम नहीं एटलीस्ट 6 महीने पहले, अलग से दिया गया है, 6 महीने पूर्व सूचित करना आवश्यक है, पट्टेदारों को सूचित करना आवश्यक है। याद रखिएगा कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में जो कि आपके ईयरली बेस पर है, उसमें पट्टे की अवधि समाप्त होने की तिथि से 6 महीने पूर्व पट्टेदार को सूचित करना आवश्यक है। ठीक, अन्य प्रयोजन में यानी कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को छोड़ करके इसमें क्या है, जैसे मंथली बेसिस पे है, तो जो आपके पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है तो उसकी निर्धारित तिथि से कम 15 दिन पूर्व, देखिए क्यों 15 दिन क्यों है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे है, तो कम से कम 15 दिन पूर्व पट्टेदार को सूचित करना आवश्यक है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यदि आपसे पूछ लेगा कि पट्टे की अवधि समाप्त होने की निर्धारित तिथि से कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में या कृषि एवं विनिर्माण के प्रयोजन में दी गई पट्टे भूमि पर निर्धारित तिथि से कितने समय पूर्व आपको सूचित करना आवश्यक है, तो 6 महीने पूर्व, और कृषि और विनिर्माण छोड़ के अन्य कोई प्रयोजन दिया तो उस कंडीशन पर आपका 15 दिन पूर्व। सेक्शन 107 धारा 107, देखिए धारा 107 क्या बोलता है, इसमें आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब लिखित एवं हस्ताक्षरित, ठीक, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट यही होता है, यानी आपका रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, लिखित होना चाहिए और हस्ताक्षरित यानी उसमें सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए लेकिन इससे भी क्या कंडीशन है, लिखित और हस्ताक्षरित, ये इसमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कब होगा, इस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए यानी लिखित हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रीकृत कब किया जाएगा, जब लीज की जो अवधि है वो आपकी कम से कम 1 वर्ष से अधिक होना चाहिए। लीज की अवधि 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और रेंट जो है यानी जो आप किराया दे रहे हैं वो आप ईयरली बेस पे दे रहे हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ईयरली और मंथली, तो इसमें जो आपके रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, यानी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए। किस कंडीशन में, जब आपकी लीज की जो भूमि है वो 1 साल से अधिक के लिए आपने दिया है और जो रेंट है, रेंट आप ईयरली बेस पे कलेक्ट कर रहे हैं, तभी इसमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के आधार पर पट्टा ट्रांसफर होगा। ठीक, अब देखिए सेक्शन 111 यानी 111 धारा 111 धारा 111 में पट्टा समाप्त होने की दशा बताई गई है। धारा 111 में किन किन कंडीशन में आपका पट्टा समाप्त किया जा सकता है, तो कुल 8 प्रकार है, 8 प्रकार से आप पट्टा समाप्त कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ प्रकार बता रहा हूँ, जैसे एक निर्धारित अवधि जो आपका है, आपने जो अपनी भूमि है उसे पट्टे पे दिया एक निर्धारित तिथि पर, तो निर्धारित तिथि के समाप्त होने के पश्चात
पट्टा समाप्त हो जाएगा। दूसरा, एक घटना घटित होने के पश्चात यानी सर्टेन इवेंट के पश्चात आपका जो है पट्टा वो समाप्त हो जाएगा। सर्टेन इवेंट मान लीजिए राम ने श्याम को अपनी भूमि पट्टे पर दी इस शर्त पर कि जब राम का पुत्र 18 वर्ष का हो जाएगा तो पट्टा समाप्त माना जाएगा। यानी इसमें एक घटना घटित हो रही है, सर्टेन इवेंट, एक घटना घटित होने की दशा में। एक है आपका निर्धारित तिथि पूर्ण होने की दशा में, दूसरा कंडीशन है एक घटना घटित होने की दशा में। घटना घटित यानी राम का पुत्र जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो जो श्याम को उसने जो पट्टे की भूमि दी है वो ऑटोमेटिकली उसकी अवधि समाप्त समझी जाएगी। ठीक, एक है आपके जो पट्टेदार है यानी जो आपके लेसी है, पट्टेदार की शक्ति और उसका जो हित है यानी जो उसके राइट्स है उस पर आप किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगा रहे हैं। यानी आपने पट्टे पर भूमि दी और किसी प्रकार का उसमें कंडीशन नहीं रखा था, लेकिन अब पट्टे पर भूमि देने के पश्चात आप उसे रोक रहे है कि आप मेरे भूमि पर यह कार्य नहीं कर सकते, या आप मेरे भूमि पर आप किसी प्रकार का दूसरा मतलब एक बिल्डिंग नहीं बना सकते, ऐसे टाइप का आप उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर भी आपका पट्टा समाप्त समझा जाएगा। ठीक, इसके अलावा भी और भी है, जैसे स्वेच्छा से जो आपका पट्टेदार है वो अपनी जो पट्टे की अवधि है वो सामने से आपके सामने समर्पण कर रहा है कि मैं और अब आगे इस पट्टे को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ऐसे लगभग 7 से 8 कंडीशन दिए हुए हैं। मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आप वहां से उसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ये 8 के 8 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक, 8 कंडीशन को याद कीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज चैप्टर 6, जिसमें आपका सेक्शन 118 से 121 यानी धारा 118 से 121 तक कवर होता है। एक्सचेंज जिसका मतलब होता है विनिमय। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी हर किसी के साथ देखिए क्या लिखा था, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग से स्पेसिफाई किया गया है हर चैप्टर में कि अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जा रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज यानी बंधक बनाया जा रहा है, तो उसमें अलग से स्पेसिफाई था। लेकिन इस जो आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में केवल एक्सचेंज के बारे में बताया गया, यानी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये आपके पर्टिकुलर आपके अचल संपत्ति के लिए है। ठीक, देखिए सेक्शन आपका 118 यानी धारा 118 ये लागू होता है आपके चल और अचल संपत्ति पर, चल और अचल संपत्ति दोनों पर लागू होता है। देखिए आप में से बहुत लोगों के डाउट आए थे जिसमें से आप लोगों का कहना था कि जो धारा 3 है, धारा 3 में मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम केवल अचल संपत्ति पर लागू होता है। तो आप में से बहुत लोगों के पास कुछ ऐसे बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि जो आपका धारा 3 है वो चल और अचल संपत्ति यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चल संपत्तियों के लिए भी लागू होता है और अचल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, उसमें लिखा हुआ है। देखिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मुझे यही चीज देखने के लिए मिल रहा है, यही चीज पढ़ने के लिए मिल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो चल संपत्ति है उसके लिए काफ़ी अलग एक्ट बने हुए हैं, जैसे जनरल क्लॉज आपके 1891 बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका 1908 बना हुआ है यानी 1908 बना हुआ है ना, वैसे ही आपके गुड्स एक्ट बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके चल संपत्तियों का ट्रांसफर नहीं होता, चल संपत्तियों का भी ट्रांसफर होता है लेकिन उसके लिए अलग एक्ट्स बने हुए हैं। ठीक, तो आप में से जो आपके डाउट्स है समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर एक ऑथेंटिक सोर्स होगा तब आप उसे मुझे शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का करेक्शन लगा तो मैं आपको जरूर से करेक्ट कराऊंगा, लेकिन मुझे अभी कहीं से भी एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला है। मैंने जो प्रीफर किया है, कुछ आपके लॉ के एजुकेशन चैनल भी मैंने प्रीफर किए हैं, वहां मुझे यही पढ़ने मिला है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफर होता है। देखिए अब ये कुछ एक्सेप्शनल कुछ अदर केसेस है, जैसे एक्सचेंज है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दान वाला यानी गिफ्ट। ये जो आपके एक्सचेंज और गिफ्ट वाला जो कंडीशन है इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति का इसमें ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो आपका एक्सचेंज वाला कंडीशन है और जो गिफ्ट वाला कंडीशन है उसमें चल और अचल दोनों संपत्ति को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए यानी
जो आपका एक्सचेंज के अंतर्गत धारा 118 ठीक, ये आपके चल और अचल दोनों संपत्ति पर एप्लीकेबल है। देखिए इसमें ट्रांसफर कैसा होता है, इसमें ट्रांसफर होता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, परस्पर स्वामित्व का अंतरण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपनी जमीन के बदले, जैसे समझ लीजिए राम और श्याम है, राम और श्याम अगर अपने प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर रहे हैं तो राम अपने एक खाली जमीन के बदले श्याम से एक घर लेता है, या मेरे पास एक कार है, जैसे समझ लीजिए BMW कार है, BMW कार ऑलरेडी काफ़ी महंगी आती है, तो BMW कार के एवज में मैं सामने वाले से उसका घर लेता हूँ। यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, एक प्रॉपर्टी के बदले आप दूसरी प्रॉपर्टी को बदल रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, वही है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, स्वामित्व, आप उसे अपनी संपत्ति का स्वामित्व बना करके उसके बदले में उसकी संपत्ति का आप स्वामित्व ग्रहण कर रहे हैं। तो ये है म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यहां पे स्वामित्व का अदला बदली हो रहा है, स्वामित्व का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, देखिए ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है तो ऑनरशिप में क्या क्या ट्रांसफर होता है, एक इंटरेस्ट यानी हित, उससे जुड़े हुए हित ट्रांसफर होते हैं, आपके राइट्स यानी उससे जुड़े हुए अधिकार ट्रांसफर होते हैं, और लाइबिलिटीज यानी उससे जुड़ी हुई देनदारियां ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पूर्णतः। ठीक, उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके हित अधिकार और देनदारियां पूरी तरीके से ट्रांसफर होती है, म्यूचुअली ट्रांसफर हो रहा है, इसे याद रखिएगा। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो ऑनरशिप किस कंडीशन में ट्रांसफर होता था, देखिए हमने तीन कंडीशन पढ़ा है, सेल में आपका ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। ठीक, उसके बाद मॉर्गेज में आपके इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं, लीज में आपके राइट्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक, हमने तीन कंडीशन पढ़ा था, तो ऑनरशिप किसने पढ़ा था, हमने सेल के कंडीशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी ऑनरशिप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे हो रहा है, म्यूचुअली ट्रांसफर हो रहा है, परस्पर आपस में आप अपने स्वामित्व का अंतरण कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है, जो आपके सेल और आपका जो एक्सचेंज है, सेल और एक्सचेंज में मेन डिफरेंस है आपके मेथड का, बाकी जो सारा का सारा प्रोसीजर है, जो उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसका आपका रजिस्ट्रेशन जो आप कराते हैं, सारा का सारा प्रोसीजर सेल के जैसे ही फॉलो होगा एक्सचेंज में, बस दोनों के मध्य एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है आपका मेथड। कैसे, देखिए मेथड का डिफरेंस है। देखिए यदि आप प्रॉपर्टी के बदले यदि आप पैसे देते हैं तो ये आपका एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सेल। ठीक, लेकिन वहीं आप प्रॉपर्टी के बदले कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो ये कहलाएगा आपका एक्सचेंज। ठीक, इसे याद रखिएगा, केवल एक मेथड का ही डिफरेंस है, बाकी जो सारा का सारा जो प्रोसीजर फॉलो होता है, जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं, है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी कराते हैं, वो सारे के सारे आपके सेल के जैसे ही फॉलो होते हैं। तो याद रखिएगा एक्सचेंज में क्या होता है, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक भूमि है जिसकी कीमत है समझ लीजिए 1.5 लाख रुपए, और सामने वाला जो राम है उसके पास जो भूमि है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब यहाँ आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी है 1.5 लाख रुपए की, सामने वाले की प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए की, तो इस कंडीशन में आप ऐसे कर सकते हैं कि उसकी भूमि भी ले सकते हैं और उससे 50,000 रुपए और अलग से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप पैसे ले रहे हैं, मतलब आपकी भूमि भी 1.5 लाख की हो गई और उसने अपनी 1 लाख की भूमि और 50,000 रुपए दे रहा है, तो इस कंडीशन में जो हो रहा है इसमें भी पैसे के लेन देन हो रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसके भी एक्सचेंज के अंदर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, बाद में जो एक्स्ट्रा जो मनी ऐड हो रहा है वो इक्वलिटी के लिए ऐड हो रहा है। ठीक, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो वो भी एक्सचेंज कहलाएगा। तो सेल और आपके एक्सचेंज में केवल एक मेथड का डिफरेंस रहता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 119 यानी धारा 119, धारा 119 में आपके त्रुटिपूर्ण अंतरण के बारे में बताया गया है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए देखिए आपके पास एक कार है, ये कार क्या होती है, चल संपत्ति होती है, और ये है आपका एक घर जो कि एक अचल संपत्ति है। ठीक, तो आपने अपने एक महंगे कार के बदले, जैसे BMW की मैं बात कर रहा था, तो आपने एक महंगे कार के बदले सामने वाले से उसकी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया। ठीक,
तो प्रॉपर्टी एक्सचेंज होने के बाद आपको ये पता चला कि जिस प्रॉपर्टी को आपने एक्सचेंज किया वो प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, यानी विवादित संपत्ति है, वो विवाद में फंसी हुई है, यानी ये जो संपत्ति है ये ऑलरेडी किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया था त्रुटिपूर्ण, अब आपने उससे एक्सचेंज कर लिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन पे यदि जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित है, तो आप उस पर कोर्ट से के थ्रू उसमें आप केस कर सकते हैं, सामने वाले पर आप कोर्ट के थ्रू केस कर सकते हैं या कंपनसेशन क्लेम की डिमांड कर सकते हैं, ठीक, जो बोलते हैं भरण पोषण, कंपनसेशन क्लेम की भी डिमांड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपका जो धारा 119 है वो त्रुटिपूर्ण अंतरण के बारे में बताता है, जिसमें कोई एक संपत्ति विवादित होने की दशा पे आप कोर्ट के थ्रू उस पे केस कर सकते हैं या कंपनसेशन क्लेम पे की ओर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 120 यानी धारा 120। धारा 120 में बताया गया है दोनों पार्टीज के अधिकार एवं दायित्वों के बारे में बताया गया है। धारा 120 में दोनों पार्टीज यानी जो पार्टी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उनके अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया। इसमें क्या बताया गया समझिएगा, सेक्शन 120 यानी धारा 120 ये बोलता है कि एक्सचेंज के अंतर्गत दोनों पार्टीज के अधिकार एवं दायित्व, अधिकार एवं दायित्व सेम आपके सेलर और बायर यानी विक्रेता और क्रेता के अधिकार एवं दायित्व के समान होंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा है, सेल और एक्सचेंज में केवल एक ही चीज का डिफरेंस होता है, क्या चीज का, मेथड का। मेथड मतलब प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो एक्सचेंज कहलाएगी, प्रॉपर्टी के बदले यदि आप मनी दे रहे हैं तो वो कहलाता है आपका सेल, यानी मेथड का डिफरेंस है। और क्या कहा गया है, बाकी जो भी उसमें प्रोसीजर फॉलो होता है सारे के सारे प्रोसीजर सेम है, किसके जैसे, सेल के जैसे। तो वैसा ही ये है, इसमें दोनों पार्टीज के आपके अधिकार एवं दायित्व सेम होंगे क्रेता और विक्रेता के जैसे, यानी सेलर और बायर के जो अधिकार और दायित्व है वही आपके एक्सचेंज के अंतर्गत दोनों पार्टीज के अधिकार और दायित्व होंगे। ठीक, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। अभी एक नेक्स्ट वीडियो बचा है, वो आपका लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक चीज आप लोग को थोड़ा करेक्ट करवाना है, उसे समझिएगा। देखिए यहां ऊपर लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया था सेक्शन टू में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुस्लिम विधि पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की यदि कोई भी बात मुस्लिम विधि का उल्लंघन करती है तो इसे एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। तो इसे एक थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए सेक्शन टू में क्या बताया गया है, सेक्शन टू, मुझे इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा गलत बता दिया, इसमें ध्यान से समझिएगा इसमें लिखा क्या है। सेक्शन टू में यह बताया गया है कि आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर टू यदि मुस्लिम विधि के किसी बातों का उल्लंघन करता है तो वो मुस्लिम विधि पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, यानी पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर टू यानी अध्याय दो में हमने क्या पढ़ा है, जो आपका स्थावर संपत्ति के अंतरण के बारे में हमने पढ़ा है ना, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज पढ़ा है, ये दो कंडीशन हमने पढ़ा है। तो चैप्टर टू के अंतर्गत जितनी भी धाराएं सम्मिलित है यदि वे धाराएं आपकी मुस्लिम विधि में दी गई किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे मुस्लिम विधि पर लागू या एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। ठीक, यानी पूरा का पूरा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अध्याय दो यानी चैप्टर टू ही आपके मुस्लिम विधि के किसी भी बातों का उल्लंघन करने की दशा में मुस्लिम विधि पर यह एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। ठीक, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।